फिर करते हैं। क्यों छोड़ा? नहीं नहीं मैंने नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा। जी बाद में बच्चे भूखे मार लगा। अकरम उदास साहब, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आपका पहलवानी से भी ताल्लुक रहा है और आप पहलवानी भी करते रहे हैं, तो ये प्लान कैसे बदला? किसी ने धोबी पटका मारा या वैसे ही बस आपने सोचा नहीं मैं आर्टिस्ट बन जाता हूँ? बस शौक था, तो हमारे गुजरांवाला में बहुत ज्यादा पहलवान थे, वहाँ पे खाड़े बहुत ज्यादा हुआ करते थे, वहाँ पे शौक था जब बचपन में, जब 15-16 पड़ी कभी किसी पहलवान? नहीं नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ पे मेरी कुश्ती हुई पहली, तो मैं पहली हार गया था। बंदे की बेइज्जती होती है थोड़ी सी, लेकिन कुट नहीं। उसके बाद आपने फैसला किया कि पहलवानी आपके बस की बात ही नहीं है? नहीं नहीं अल्लाह माफ करे, ऐसा भी नहीं, मेहनत की फिर मैंने, एक साल मेहनत की, फिर जीते? नहीं नहीं, फिर भी हार गया मैं। लेकिन आपने एंजॉय किया कुश्ती को? नहीं, कुश्ती को एंजॉय करते हैं सब, एंजॉय करते हैं। क्यों छोड़ा? नहीं नहीं मैंने नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा। वो काम शाम करते रहे, स्ट्रगल के दौर थे वहाँ पे बस। आई एम श्योर अकरम उदास साहब आपकी भी एक उस दौर की कहानी होगी, आप अगर अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहें, अगर जिंदगी में कुछ मुश्किल लम्हात आपने देखे या कोई स्ट्रगल की और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा देखे स्ट्रगल की मैंने, काम किया, हर काम किया मैंने, ये नहीं सोचा कि ये काम अच्छा नहीं है या ये बहुत नीच काम है, मैंने वो भी नहीं सोचा, मेहनत की मैंने, मजदूरी बहुत की मैंने, रात को ये स्ट्रगल करनी, ड्रामे पे चले जाना, दिन के टाइम काम करना, तो करते 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 फिर अल्लाह ने आज ऐसा दिन दिखा दिया। अकरम शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह का काम आपने किया? मैंने हर तरह का काम किया। जैसा के? जैसा के कौन सा आप काम समझेंगे? के फ्रूट मैंने रेडी लगाई, मैं इसी तरफ आ रही थी, उसके बाद वीडियो कैमरे थे शादी पे, जो वीडियो बनाते हैं वो भी मैंने बनाई फिल्में, एक मरतबा मैं नया नया था तो मुझे पता नहीं चला, उस वक्त ना वो केसटें होती थी शादी की, तो वो केसेट उसमें डाल के तो उसका बटन ऑन करके तो मैंने हाथ में पकड़ लिया, तो लेके घूमता रहा, उसके बाद जब वो बैठने लगा वो दूल्हा, तो मैंने ऐसे किया तो वो खत्म हो गई थी केसेट, वैसे ही उनको मैंने दे दी जी। वो नीचे नीचे से बंदे आ रहे थे, ऊपर से आ ही नहीं रहे थे, तो वो मुझे कह रहे थे यार ये हम कैसे पता चलेगा कि मैं हूँ, मैं कहा यार जुतियां तो पछाणो उंजे नहीं मैंने पता चलेगा। तो ये मुश्किल लगा, ये मुश्किल टाइम था जिंदगी का, लेकिन नहीं मुश्किल कोई भी नहीं, मैंने कहा कि मैं अपने आप को मुश्किल में नहीं डाला कभी, मैं बहुत अच्छी बात, जो भी मिलता है काम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके काम करते, बंदे के पास सब कुछ आ जाता है, तो नहीं आता तो बचपना नहीं आता, मिस करते हैं वो बहुत के मिस करता हूं। आई एम श्योर आप जी, करते हो। मैं तो झंडल भाई के चलो अजय भी बच्चा बच्चा लगा। हेयर ट्रांसप्लांट के इतने अच्छे ऑप्शंस हैं, आप क्यों नहीं ऑप्ट करते? जी बाद में बच्चे भूखे मार लगे।